क्या सच में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है? क्या सच में संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है? तो क्या संथाल परगना में घुसपैठ के साथ साथ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का मामला भी बढ़ गया है? जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दरअसल इन दिनों संथाल परगना में बढ़ रही घुसपैठ और यहाँ की बदलती डेमोग्राफी का जो मामला है तुल पकड़ा हुआ है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है। बीजेपी के झारखंड प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सहप्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के कई बड़े ऐसे नेता हैं इस मुद्दे को अब बार बार सार्वजनिक मंचों पर भी उठाते आ रहे हैं। वहीं इस पर राज्य सरकार का भी कहना है कि यह हमारा मुद्दा है ही नहीं, तो फिर हम इस पर क्या करें। इस तरह से राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ते हुए केंद्र पर यह मुद्दा थोप रही है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर। वहीं अब संथाल परगना के क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के कारण जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर हाल ही में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये खुलासे केंद्र सरकार द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में एक दायर जनहित याचिका पर दिए गए जवाब में है। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामा में बताया है कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में जनजातीय आबादी में 16% की गिरावट आई है। केंद्र सरकार का कहना है कि पहले यहां जनजातीय आबादी 44% थी, जो अब घटकर सिर्फ 28% रह गई है। केंद्र सरकार के अनुसार इस गिरावट के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, जनजातीय लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन और दूसरा धर्मांतरण। इसके अलावा संथाल परगना के 6 अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में 20-40% तक की वृद्धि देखी गई है। ईसाई आबादी में भी चौंकाने वाली वृद्धि हुई है, जहां इन क्षेत्रों में ईसाई आबादी 6000 गुना तक बढ़ी हुई है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब दानियल दानिश ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक जनहित याचिका जो है दायर की। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि संथाल परगना के 6 जिलों जिसमें पाखुड़, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा और देवघर और यहां तक कि जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें क्षेत्र की जनसंख्या संरचना भी जो है बदल रही है। याचिका में कहा गया था कि घुसपैठियों द्वारा मदरसे बनाए जा रहे हैं और स्थानीय जनजातीय महिलाओं को धोखे से शादी के लिए फंसाया जा रहा है और फिर उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी, जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो इन 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को सीधा नकार दिया। हालांकि कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी कि अगर घुसपैठ का एक भी मामला पाया गया तो संबंधित अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा। आपको बता दें, इस मामले की 5 सितंबर 2024 को कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड के लिए एक बड़ी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इससे राज्य की आदिवासी आबादी जो है प्रभावित हो रही है। साथ ही झारखंड के रास्ते ये घुसपैठिए जो है देश के अन्य राज्यों में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बीएसएफ और आईबी से विचार विमर्श करके विस्तृत जवाब तैयार करेगी। 5 सितंबर की सुनवाई के बाद 12 सितंबर को केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया, जिसमें यह बताया गया कि घुसपैठ साहिबगंज और पाखुड़ जिलों के माध्यम से हो रही है। ये जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं और घुसपैठिए इन क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति से परिचित होने के कारण यहाँ आसानी से घुल मिल जाते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना के आंकड़े भी पेश किए, जिनके अनुसार 1951 में संथाल परगना की कुल जनसंख्या 43,22,000 थी, जिसमें 90.37% हिंदू, 9.43% मुस्लिम और 0.18% ईसाई थे।
वहीं 2011 की जनसंख्या के अनुसार संथाल परगना की जो कुल जनसंख्या 70 लाख हो गई, जिसमें हिंदू की आबादी घटकर 67.95% रह गई, मुस्लिम आबादी बढ़कर 22.73% हो गई, और ईसाई आबादी की बात करें तो 4.21% तक पहुंच गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है, जहां कोर्ट इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संथाल परगना में बढ़ रहे घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी के इस हल्फनामा पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके दे सकते हैं। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के नए नए खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर भी बने रहें। तब तक के लिए जोहार।